दोस्तों मैं हूं रूपा, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूं गुजिया, कुछ लोग इसे पेड़किया भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सूजी लेंगे, हमने 300 ग्राम सूजी लिया है, इसको अच्छे से भून लेंगे हम। ये देखिए हल्का लाल कीजिएगा इस तरह से। इसके बाद हम फिर कढ़ाई में तेल थोड़ा सा देंगे या घी दीजिएगा, उसमें आप बेसन डालिएगा। बेसन हमने 200 ग्राम लिया है, इसे भी हम हल्का लाल करके भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे भी निकाल लेंगे हम। ये हमारा सूजी, ये है बेसन। और इसके बाद हमें चाहिए इलायची, दरदरा पीस के डालना है खोआ में। चीनी, ये है खोआ, ये खोआ हमने घर पे बनाया है। रिफाइंड तेल, इसमें हम पेड़किया को छानेंगे। ये है हमारा मैदा, हमने मैदा यूज करेंगे इसमें। तो हमने तीन पाव मैदा लिया है, ये सॉफ्ट है। तो सबसे पहले हम मैदा में रिफाइंड डालेंगे और इस तरह से मोम देंगे। और ये गर्म पानी है, इसमें हम हल्का हल्का दे करके इसको अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ये डो थोड़ा कड़ा ही रहेगा क्योंकि ढक देने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है। इसे हम अच्छा सा बना लेंगे डो, और 10 मिनट के लिए रेस्ट में रखे हैं। अब इसका हम पेड़िया बना लेते हैं। इस तरह से पेड़ा बना लीजिएगा आप इसका छोटा छोटा। और इसके बाद इसे बेल लेंगे हम पूड़ी की तरह, इस तरह पतला क्लिक करके बेलिएगा आप इसे। और ये देखिए हमने चीनी को पीस लिया है। अब इसमें हमें पहले इसका भरने के लिए बना लेते हैं। तो हमने एक बाउल में चीनी डाला है, अब सूजी सारा डालेंगे क्योंकि ये ढेर सारा बनाना है हमें। ये देखिए बेसन, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए खोआ, क्योंकि हम लोग अभी तीज आ रहा है, तीज में पेड़किया हम लोग सब घर में बनता है, इसलिए हम ज़्यादा ये बना रहे हैं। तो आप इस तरह से इसे मिला लीजिएगा। हमने इलायची पहले ही डाल दिया था, उसके बाद लास्ट में हम सौंफ डालेंगे और अच्छा से मिला लेंगे। इसे भुरभुरा करके रखिएगा इस तरह से, पूरा गीला नहीं रखिएगा, गीला रहेगा तो फिर सूजी डाल दीजिएगा या फिर बेसन। और इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके भरिएगा, ज़्यादा भरिएगा तो फट जाएगा, इसीलिए हल्का दीजिएगा। और इसमें पानी की सहायता से इसे अच्छा से चिपका लीजिएगा इस तरह से। इस तरह से पूरा चिपकाने, सील कर देने से ये बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद हम ये, आपको डिजाइन अगर आता है तो आप इस तरह से डिजाइन बनाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए हम इस तरह से हम डिजाइन बना रहे हैं। अगर आपको इस तरह का डिजाइन बनाने नहीं आता है तो ये मैं एक और बताती हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। ये देखिए हमने पानी लगा लिया, अब इसे इस तरह से सील कर देंगे। इसके बाद हम इसे थाली पर रख देंगे। और थाली पर रखने के बाद हम इसमें काटा चम्मच चाहिए फॉक, इसमें हम इस तरह से डिजाइन दाब देंगे। इस तरह से देखिए डिजाइन भी हो गया और इस तरह से ये अच्छा से सील भी हो गया। तो इस तरह से इसे दाब के हमारा एक पेड़किया तैयार हो गया। इस तरह से हम सारा पेड़किया बना लेंगे। ये देखिए हम तीन तरह का डिजाइन दिए हैं, 1, 2, 3। ये इस तरह से हम सारा बना लेंगे। अभी इसमें पहले हम तेज आँच में रिफाइंड तेल को गर्म करेंगे, और जब तेज आँच हो गया है तो मध्यम आँच कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें एक एक करके तलेंगे। हम 5-6 इसमें डाले हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें भी। इसको अच्छे से फैला से ही इसको छानिएगा और हल्का पूरा लाल करके ही निकालिएगा। ये देखिए कम आँच में इसको फ्राई कीजिएगा तो ये खास्ता बनेगा। ये देखिए हमारा लाल हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा खास्ता है। तो इसे आप 15-20 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए हम इसे निकाल लेते हैं, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत लोग इसे होली में बनाते हैं पर हम लोग हरियाली तीज में बनाते हैं ये गुजिया। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। हमारा गुजिया तैयार हो गया। अब हम ये टिप्स बताने वाली हूँ। टिप्स में मैं फेस मास्क के बारे में बताने वाली हूँ। ये स्क्रब है, ये हमने एक आटा का चोकर लिया है, आटा चलने के बाद इस तरह का चोकर निकलता है वो है ये। इसमें हम दही मिला देंगे, और दही मिलाने के बाद इसमें फेस पे हमको सिर्फ 10 मिनट तक रब करना है अच्छा से। और रब करने के बाद इसे धो लीजिए, तो देखिएगा आपका चेहरा में निखार आ जाएगा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन बेल को दबा दीजिएगा। बाय।